भोपाल में खूब बवाल हुआ। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। ये सब हुआ बेरोजगारी को लेकर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेसी काफी जोश में दिखे। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही शिवाजी नगर चौराहा पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बैरिकेड लांग कर विधानसभा की ओर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। आप देखो कि नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम 2 लाख नौकरियां पहले वर्ष देंगे, उन्होंने कहा हर घर का रोजगार देंगे, उन्होंने ऑनलाइन जुआ लीगलाइज कर दिया, मतलब जुए सट्टे की सरकार सुनी हमने, ये जुए सट्टे की सरकार नहीं चलेगी। और बात यहाँ है कि मध्य प्रदेश के अभिभावकों को आपने रोजगार के लिए कमल को वोट दिया, जुए खिलवाने के लिए आपके बच्चों को कमल को वोट नहीं दिया, तो जुए सट्टे की सरकार के विरोध में युवा सड़क पर। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने राज्य की मोहन सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने मोहन सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार का खिताब दे दिया। सरकार है युवा सरकार है, जो रोजगार नया रोजगार दे दिया मध्य प्रदेश युवा को जुआ खेलने के लिए। ये जो मोहन यादव जी का सरकार या कुछ नहीं चलता है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। दिल्ली से जो होता है फैसला उसी को लेके यहाँ युवा के साथ जो अन्याय करने का काम कर रहा है उसको लेके आज विधानसभा खेलने के लिए हम लोग ने काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने जीतू पटवारी, श्रीनिवास बीवी, विक्रांत भूरिया समेत कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया। विधानसभा घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।